श्री सरस्वती नीलवर्णा सस्मिता सुमनोहरम कोटिचंद्र प्रभा मृष्टपृष्ट श्रीयुक्त विग्रहम। नमस्कार, उदयन डेयरी स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पाली अपराजिता। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर आज मैं एक ऐसे मंदिर की कथा लेकर आई हूँ जहाँ सैकड़ों साल से मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे कोई अदृश्य शक्ति पूजा करके चली जाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो देवी पर अर्पित पुष्प और तिलक दिखाई देता है। यह मंदिर है शारदा माता का, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले की मेहर तहसील में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर जगदम्बा आदि महाशक्ति नील सरस्वती के रूप में अवस्थित है। इस मंदिर में रात्रि में कोई नहीं रुक सकता, अन्यथा उसकी जान पर संकट आ सकता है या फिर वो पागल भी हो सकता है। यह एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माता सती के गले का हार गिरा था, जिसके वजह से इस स्थान को मेहर यानी माँ का हार कहा जाने लगा। सतयुग काल का ये मंदिर बाद में विलुप्त हो गया था क्योंकि इस पर्वत पर घना जंगल पैदा हो गया था, जिसके वजह से किसी भी व्यक्ति का यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं था। लेकिन मध्यकाल के दो महावीर योद्धा भाई आल्ला और उदल ने इस घने जंगल में प्रवेश करके इस मंदिर की खोज की और फिर यहीं पर 12 वर्ष तक तपस्या भी की। तब दुनिया को इस मंदिर के बारे में पता चला। वहाँ पर राजा महाराजाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी में माँ शारदा की पूजा पहले करने के लिए बहस छेड़ गई और युद्ध की नौबत आ गई। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि जो भी व्यक्ति देवी माँ के सामने अपने हाथों से काटकर अपना सिर अर्पित करेगा, उसे ही शारदा माता का पहले पूजन का अधिकार मिलेगा। ये आकाशवाणी सुनकर सभी राजा महाराजा बगले झांकने लगे और किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना सिर अपने हाथों से काट पाए। तब वीर आला आगे बढ़े और उन्होंने अपनी तलवार खींचकर अपना सिर काट दिया और देवी को अर्पित कर दिया। तब स्वयं माँ शारदा वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने अपने हाथों से आला का कटा हुआ सिर उनके धड़ से जोड़कर उनको जीवित कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया और कहा कि आज से इस मंदिर में पहले पूजा का अधिकार उन्हें प्राप्त हो पाएगा। तब से अब तक सैकड़ों साल बीत चुके हैं और मेहर के मंदिर में अमरता का वरदान प्राप्त आला ही पूजन सबसे पहले करते हैं, हालांकि कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है। शारदा माता का ये मंदिर रात में 2 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाता है और लोग त्रिकुट पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। प्रातःकाल के समय आला माँ के दर्शन करने आते हैं और माँ का संपूर्ण श्रृंगार करके जाते हैं। इस दौरान मंदिर के घंटे स्वयं ही बजने लगते हैं और मंत्रोच्चारण की ध्वनि आने लगती है और देवी की प्रतिमा के आसपास जल गिरा हुआ मिलता है, जैसे किसी ने माता को स्नान कराया हो। यही कारण है कि किसी को रात के समय यहाँ नहीं रुकने दिया जाता। अगर कोई जबरन यहाँ रुकता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस मंदिर के आसपास आला और उनके भाई उदल से जुड़े कई स्थान मिलते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आला तालाब कहा जाता है। तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा भी मिलता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आला और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। पूरे भारत में
सतनाकार मेहर मंदिर ही माँ सरस्वती के तांत्रिक स्वरूप नील सरस्वती का अकेला मंदिर है। उनके अलावा त्रिकुट पर्वत पर माता के साथ काल भैरवी, भगवान हनुमान, देवी काली, देवी दुर्गा, गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जालपा भवानी की भी पूजा की जाती है। त्रिकुट पर्वत पर मेहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर का वर्तमान भवन महोबा के राजा कीर्तिचंद्र वर्मन ने 831 ईस्वी में बनवाया था। मंदिर में 10 फीट ऊंची मां चंडिका की बड़ी प्रतिमा है, जिसके 18 हाथ है। मंदिर में दर्जनों छोटे बड़े घंटे लगे हैं। मां शारदा के भवन तक पहुंचने के लिए पूरे 1052 सीढ़ियां चढ़नी होती है। प्रथम भाग की यात्रा में 480 सीढ़ियों के पार किया जाता है। दूसरे भाग 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी और अन्य पेय पदार्थों की संपूर्ण व्यवस्था होती है। यहाँ पर अदिश्वरी माई का प्राचीन मंदिर है। तीसरे भाग की यात्रा में 147 सीढ़ियाँ हैं। चौथे और आखिरी भाग में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती है, तब जाकर माँ शारदा का मंदिर आता है। नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके लिए अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में इसी प्रकार देवी के स्वयं सिद्ध चमत्कारी स्वरूपों की कथा लेकर आती हूँ, जिसे देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय माँ शारदा।